हेलो गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर दी दिनिमी एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो ऑन दैव्थ डे आफ्टर दैट सातवें दिन उसके बाद टू थिंग्स हैपन दो बातें हुई इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर सुबह सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर जो सर्वेंट्स थे नौकर थे वो एक साथ छोड़ गए एक साथ उन्होंने नौकरी छोड़ दी देयर बिलोंगिंग्स उनकी जो belongings थी, यानी यानी उनका जो सामान था, servants का, वो एक large square cotton kerchief, एक जो बड़ा कपड़े का टुकड़ा था उसके अंदर बांधा गया था वेन हना अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन जब हना सुबह उठी तो कुछ भी नहीं किया गया था नथिंग वॉज डन मतलब घर का कोई भी काम नहीं हुआ था द हाउस नॉट क्लीनड एंड द फूड नॉट प्रिपेयर जो घर था वो क्लीन नहीं था और जो खाना था वो प्रिपेयर नहीं था खाना नहीं बना हुआ था एंड शी नो वाट इट मीनस और वो जानती थी हना जानती थी इस बात को वाट इट मीन कि इसका मतलब क्या है शिवा डिसमेड एंड इवन टेरीफाइड तो जो हना थी वो डिसमेड थी यानी वो सैड थी उनको सैड फील हुआ एंड इवन टेरीफाइड और वो काफ़ी घबरा भी गई बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट पर उनका जो प्राइड था एज ए मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस मीन्स जो लेडी ऑफ द हाउस होती है घर की जो मालकिन होती है सो बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस की घर की मालिक घर की मालकिन के रूप में उनका जो प्राइड था उनका जो गर्व था वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट वो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा था अपना जो डर और जो दुख है वो शो करने के लिए इन शी इंक्लिन हर हैड ग्रेसफुली When they appeared before her in the kitchen, so she was uh, she inclined her head gracefully. तो so, उन्होंने अपने सर को काफ़ी gracefully उठाया Incline means होता है uh, bend करना झुकना तो ये Japanese एक tradition है जो किसी का रिस्पेक्ट करने के लिए किसी को सम्मान करने के लिए वो अपने कमर की तरफ से झुकते हैं थोड़ा आगे की तरफ तो ये एक जैपनीज uh, ट्रेडिशन होता है जैसे इंडिया में हम नमस्कार वगैरह करते हैं उसी तरह के से ये जैपनीज ट्रेडिशन है सो शी इंक्लिन हर हेड ग्रेसफुली उसने अपने सर को ग्रेसफुली तरीके से थोड़ा बेंड किया दे बिफोर जब वो उन उसके सामने अपीयर हुए इन द किचन किचन में एंड शी पेड ग्रेसफुली मीनस होता है काफ़ी विद डिग्निटी या सम्मान के साथ एंड शी पेड दैम ऑफ एंड थैंक दैम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर फिर हना ने उन्हें पे दैम ऑफ मतलब उन्हें उनकी जो सैलरी वगैरह है पेमेंट की उन्हें उनका भुगतान किया एंड थैंक देम और उन्हें धन्यवाद किया फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर उस सब के लिए जो कि उन नौकरों ने उन, उनके लिए किया था सदाओ के लिए और हना के लिए उसका उसने धन्यवाद किया वर क्राइंग वो रो रहे थे बट शी डिड नॉट क्राई पर वो नहीं रोई जो हना थी वो नहीं रोई दे द कुक एंड द गार्डनर हैड सदाओ सिंस ही वॉज ए लिटिल बॉय जो कुक था और जो गार्डनर था यानी कि जो घर का खाने बनाने वाले था और जो माली था हैड सर्वड सदाओ सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय उन्होंने सदाओ को तब से सर्व किया था यानी सदाओ के लिए वो तब से थे जब सदाओ एक लिटिल बॉय थे इन इज फादर्स हाउस अपने पिता के घर में एंड यू क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन और जो यूमी थी जो बच्चे संभालती थी बच्चों की जो आया थी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन वो बच्चों के लिए रोई शी वाज सो ग्रीविंग वो इतनी ज़्यादा सैड uh, फील कर रही थी ग्रेविंग मीन्स होता है फीलिंग uh, सैड तो वो इतना ज़्यादा सैड फील कर रही थी दैट आफ्टर शी एट गॉन कि जब वो चली गई शी रन बैक टू हना वो हना की तरफ भागी या हना की तरफ भाग कर आई वो इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट अगर जो बच्चे हैं वो मुझे आज रात को ज़्यादा मिस करें सेंड फॉर मी मुझे बुलाने के लिए भेज देना किसी को आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस मैं अपने ही घर जा रही हूँ एंड यू नो वेर इट इज़ और आप जानती है कि वो कहाँ पर थैंक यू हना सेट स्माइलिंग हना ने मुस्कुराते हुए कहा कि थैंक यू धन्यवाद बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यू मी हाओ एवर द बेबी क्राइड पर उन्होंने अपने आप से कहा कि शी वुड नॉट सेंड फॉर यू मी कि वो यूमी को बुलाने नहीं भेजेंगी हाओ एवर द बेबी क्राइड क्योंकि जो बच्चा था वो रोया शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन जो हना है उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाओ ने हेल्प विद द चिल्ड्रन बच्चों के लिए मदद की जो बच्चों की जो भी मदद लगती है वो उसमें मदद की नीदर ऑफ दैम स्पॉक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर देवर उनमें से किसी ने भी यानी सदाओ और हना दोनों में ने नींदर ऑफ देम्स पॉक ऑफ द सर्वेंट्स किसी ने भी नौकरों के बारे में कोई बात नहीं की बियॉन्ड द फैक्ट दैट इस फैक्ट के बियॉन्ड दैट दे वर इस बात के बियॉन्ड उन्होंने कोई बात नहीं की कि ये सब नौकर जा चुके हैं बट आफ्टर हना है टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर पर इसके बाद जब हना है टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर जब मॉर्निंग फूड लेके गई प्रिजनर के लिए शी कैम बैक टू सदाओ वो सदाओ के पास वापस आई वाई इज इट वी कान्ट सी क्लियरली बट वी ऑट टू डू कि ऐसा क्यों है कि हम नहीं दे सकते बिल्कुल क्लियरली कि हमें क्या करना चाहिए तो हना ने सदाऊ से कहा कि ऐसा क्यों है कि हम ये बात क्लियरली नहीं देख पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए शी आसदीम उसने सदाऊ से पूछा इन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू मतलब इससे ज़्यादा तो जो सर्वेंट्स थे वो भी क्लियरली देख पा रहे थे जिस जितना हम नहीं देख पा रहे देन वी डू वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज हम जो दूसरे जैपनीज लोग हैं उनसे क्यों डिफरेंट हैं सदाओ डिड नॉट आंसर सदाओ ने कोई आंसर नहीं दिया इस बात का बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेन द प्रिजनर वाज एंड एंड सैड वी साउंडिंग रूड मतलब किसी से बुरे तरीके से बात करना या रूडली बात करना सो सदा डिट नॉट आंसर सदाओ ने कोई आंसर नहीं दिया हालांकि बात का कि हम जैपनीज लोगों से इतने डिफरेंट क्यों हैं या हम किस तरीके से जैपनीज लोगों से डिफरेंट हैं बट ए लिटिल लेटर पर कुछ टाइम के बाद ही वेंट इन टू द रूम वेर द प्रिजनर वाज वो जो प्रिजनर था उसके कमरे में गए एंड सैड ब्रिक्सली और उससे रूडली कहा कि टुडे यू मे टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फिट कि आज तुम अपने पाँव पे खड़े होगे आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली फाइव मिनट्स एट ए टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पाँव पर पाँच मिनट के लिए खड़े हो एक बार में टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग और कल तुम इससे दुगना ट्राई करोगे यानी दस मिनट के लिए ट्राई करोगे इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्यूकली एज पॉसिबल ये अच्छा होगा इट वुड बी वेल वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ कि तुम अपनी जो स्ट्रेंथ है अपनी जो ताकत है वो वापस पालो एज क्यूकली एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके ही सा द फ्लिकर ऑफ टैरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल उन्होंने एक टैरर की फ्लिकर देखी फ्लिकर होता है कोई हल्की सी झलक या ग्लिमर या एक फ्लैश लाइट होता है हल्की सी आए जो So, उन्होंने एक झलक देखी हल्की सी ही फिक्र की फिक्र यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी पेल उस जवान चेहरे पर जो कि अभी भी काफी पेल था यानी वो काफी पीला था या काफी मुरझाया हुआ चेहरा था उसका वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था ओके द बॉय मर्बर्ड तो बॉय ने हल्के से कहा कि ओके okay, ठीक है इविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर और इविडेंटली मतलब क्लियरली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर वो बिल्कुल दृढ़ था एकदम बात कहने के लिए कुछ और ज़्यादा कहने के लिए आई फील ऑट टू थैंक यू कि मैं फील कर रहा हूँ या मैं ऐसा फील करता हूँ कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ तो उसने जो प्रिजनर है उसने कहा कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ मेरी जो जिंदगी है वो बचाने के लिए मेरी लाइफ को सेव करने के लिए डोंट थैंक मी टू अर्ली सदाऊ से सदाऊ ने कोल्डली या बिल्कुल ठंडे तरीके से ये बात कही उसका बिल्कुल भी कोई अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया कोल्डली ये बात कही कि डोंट थैंक मी टू अर्ली कि इतना मुझे इतना ज़्यादा इतना जल्दी धन्यवाद मत कहो इतना जल्दी मेरा थैंक मत करो इस फ्लिकर ऑफ टैर अगेन इन द बॉयज आई उन्होंने एक बार दोबारा एक झलक देखी डर की टैरर मीन्स होता डर जाना इस बात से अगेन इन द बॉयज आए तो उन्होंने लड़के की आंखों में दोबारा एक टैरर की झलक देखी हल्की सी चमक देखी जल डर की टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स एक ऐसा डर जो कि अनमिस्टेकेबल मीन्स होता है डेफिनेट एकदम डेफिनेट डर एज एन एनिमल्स जैसे कि जानवर का होता है किसी का द स्कार्स ऑन इज नेक वर्क क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट क्रिम्सन होता है बिल्कुल डार्क रेड एकदम लाल हो जाता है जो सो द स्कार्स ऑन इज नेक वर्क क्रिम्पन फॉर मोमेंट उन उसके जो गर्दन पे नेक पे उसके जो स्कार्स थे यानी कि जो निशान थे उसके गर्दन पे वो एक क्षण के लिए लाल हो गए बिल्कुल दो स्कार्स वो चोट के निशान या वो स्कार्स वट वर दे वो क्या थे सदाओ डिड नॉट आस्क सदाओ ने पूछा नहीं है कुछ भी इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन और दोपहर में एक दूसरी बात हुई हना वर्क हार्ड ऑन ए कस्टमंड ए कस्टम लेबर एक्स्टर्म लेबर होते हैं जो अनस्किल्ड uh, लेबर या अनफैमिलियर लेबर जो नए नए आए हैं अभी नौकरी करने के लिए और जो अभी जानते नहीं हैं ज़्यादा चीज़ें सो so, ना वर्क वर्किंग हार्ड ऑन एक्स्टर्म लेबर जो अनफेमिलियर लेबर है उनके साथ ना काफ़ी मेहनत कर रही थी साय मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म अब उसने एक मैसेंजर को देखा जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में था और उनके दरवाजे पे था हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कु नोट ड्रो हर प्रीत उसके जो हाथ थे वो एकदम कमज़ोर हो गए या वीक हो गए बिल्कुल उनमें ताकत नहीं रही शी कु नोट ड्रो हर प्रीत और उसे अपनी सांसें भी नहीं मिल रही थी या उन्हें सांस नहीं आ रहा था दर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी अब उसने सोचा कि जो नौकर थे जो घर छोड़ के चले गए थे मस्ट है ऑलरेडी उन्होंने बिल्कुल अवश्य बता दिया होगा सारी बात शी रेंट टू सदाऊ वो सदाऊ के लिए कोई और भागी गैसपिंग अनेबल टू अटरे वर्ड गैसपिंग होता है मुँह खोल के सांस लेना या किसी बात से बोचक्का रह जाना आश्चर्यचकित रह जाना स्टनिंग सरप्राइज हो जाना जिससे मुँह खुला कब खुला रह जाता है सो शी रन टू सदाव वो सदाओ की ओर भागी गैसपिंग तो उनका मुँह खुला हुआ था सांस लेने के लिए और वो घबराई हुई थी अनेबल टू अटरे वर्ड उनके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था या एक भी शब्द बोलने में वो असमर्थ थी बिल्कुल भी एबल नहीं थी उसके में बट बाय दैन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रो द गार्डन एंड देर हिस्टूड बट बाईन मैसेंजर है गार्डन वो मैसेंजर था जो उनके पीछे पीछे उसे उन्हें फॉलो करते हुए गार्डन में आ गया फॉलोड गार्डन मतलब गार्डन के थ्रू उसने उन्हें फॉलो किया एंड देर हिस्ट टूड और वहाँ पर वो खड़े थे शी अपड एट हिम हेल्पलेसली और हना ने उनकी तरफ इशारा कर दिया बिल्कुल हेल्पलेसली सदाऊ लुक डप फॉर फ्रॉम इज बुक सदाओ ने अपनी नज़रें उठाई और बुक पर से ऊपर देखा सदाओ लुक डप फ्रॉम इज बुक ही वॉज इन ऑफिस वो अपने ऑफिस में थे द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन जो दूसरा पार्टीशन था ऑफिस का वो गार्डन में खुलता था फॉर द साउथ सनशाइन जो साउथ साइड की जो सूरज की रोशनी आती है उधर वॉट इज इट ही आस्ट द मैसेंजर एंड दैन ही रोज उन्होंने मैसेंजर से पूछा कि क्या है क्या बात है ये और वो खड़े हुए सीइंग द मैंस यूनिफॉर्म और जो आदमी ने यूनिफॉर्म पहन रखी थी मैसेंजर ने उन उसकी यूनिफॉर्म को देख के वो खड़े हो गए यू आर टू कम टू द पैलेस द मैन सेट द ओल्ड जर्नल इज़ इन पेन अगेन अब जो मैसेंजर है उसने कहा कि आपको पैलेस में आना होगा यू आर हैव यू आर टू कम टू द पैलेस आपको पैलेस में आना होगा द मैन सेट मैसेंजर ने कहा द ओल्ड जर्नल इज़ इन पेन अगेन जो ओल्ड जर्नल है या बूढ़े जो जर्नल हैं वो उन्हें दोबारा दर्द हुआ है ओ हन्ा ब्रिथेड इज इट दैट ऑल तो हना ने कहा कि ओ और हना को सांस में सांस आई हन्ना ने सांस ली और कहा इज दैट ऑल के यही था बस बस इतना ही ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड मैसेंजर ने थोड़ा चौंकते हुए या एक जोर से कही की बात की ऑल इज इट नॉट इनफ क्या ये काफ़ी नहीं है कि ओल्ड जनरल जो है वो पेन में है क्या ये बात काफ़ी नहीं है इंडीड इट इज़ शी रिप्लाइड आई एम वेरी सॉरी तो हना ने रिप्लाई किया कि नहीं 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 इंडीड इज सचमुच ये काफ़ी है आई एम वेरी सॉरी मुझे काफी दुख है इस बात का वेन सदाओ कम टू सेव गुड बाय जब सदाओ गुड बाई कहने के लिए वापस आए शिवाजीन किचन वो किचन में थी बट डूइंग नथिंग पर कुछ भी नहीं कर रही थी द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन वर अस्लीप बच्चे थे वो सो रहे थे एंड शी मेट मेयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट एंड शी सेट्स मेयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट और वो एक क्षण के लिए एक मोमेंट के लिए रेस्ट करने के लिए बैठी थी बिल्कुल मोर एडजस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क और वो एग्जॉस्टेड मीन्स होता है टायर्ड हो जाना है थक जाना बिल्कुल मोर एग्जॉस्टेड फ्राम हर फ्राइड दैन फ्राम वर्क तो वो काम से नहीं थकी थी बल्कि वो उस डर से थक गई थी जो इस बात का जो सब चीज़ों का जो डर हुआ था उन्हें जो मैसेंजर आया था उसका और सब चीज़ों का सो द चिल्ड्रन स्लीप जो बच्चे थे वो सो रहे थे एंड शी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट और उन्हें तब से लेकर अब तक सिर्फ एक क्षण के लिए एक मोमेंट के लिए रेस्ट मिला था और वो रेस्ट के लिए बैठी थी और वो इतना ज्यादा थक गई थी डर से काम से नहीं थकी थी वो डर से थक गई थी आई टू अरेस्ट यू मैंने सोचा कि वो आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं शी सेट हाना ने कहा ये ही गेट डाउन इंटू हर एंक्शाइज अब सदाओ ने गेस डाउन मतलब नीचे देखा घूर कर इंटू हर एंक्शाइज उसकी जो बेचैन आंखें थी जो एंशियस थी बिल्कुल बेचैनी से एंक्शस मीन्स होता है बेचैन हो जाना बिल्कुल सो ही गेस डाउन इंटू हर एंशसाइज उसने उस आ, हना की सदा ने हना की एक्सरसाइज में देखा आई मस्ट गेट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना हो जाइए या मुझे इस आदमी से जरूर छुटकारा पाना होगा फॉर योर सेक तुम्हारे लिए ही सैड इन डिस्ट्रेस उन्होंने पेन में कहा यह बात डिस्ट्रेस मीन्स होता है पेन या सैडनेस तो उन्होंने ये बात काफ़ी पेन में कही सम हाउ आई मस्ट मस्ट गेट रिड ऑफ हिम किसी भी तरीके से सम हाउ सम हाउ मीन्स किसी भी तरीके से आई मस्ट गेट rid ऑफ हिम मुझे अवश्य ही इससे छुटकारा पाना होगा सदाओ वोज टू सी अब सदाओ जो हैं वो जर्नल के पैलेस पे गए हैं जर्नल का जो भी बीमार जनरल हैं उनको देखने के लिए गए हैं सो अब जो भी कन्वर्सेशन है वहाँ की वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे